पर सीएम शिवराज की मुहर लगी है। जहां लव जिहाद करने वालों को शिवराज सिंह ने चेतावनी दी है, बेटियों के साथ गलत किया तो बर्बाद कर दूंगा। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि अगर बेटियों के साथ किसी ने भी छल किया, उन्हें धोखा दिया तो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। लव जिहाद किया तो मैं बर्बाद कर दूंगा, शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है। और साथ ही ये भी कहा कि बेटियों की जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगा मैं। कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो तोड़ के रख दूंगा, ये नहीं चलेगा। कोई अगर बहला के गुस्सा के दबाव देके लालच देके, और मैं जानता हूं ऐसी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती, नरक बन जाती है, वो दर दर की ठोकरें खाती है। सबके साथ हूं मैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दूर नहीं है, लेकिन गड़बड़ की, धर्मांतरण का कुचक, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो देखिए, लव जिहाद के खिलाफ जी हिंदुस्तान की मुहिम जारी है। लव जिहादियों के खिलाफ जब तक देश सख्त कानून नहीं बनाता, हमारी मुहिम इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि बेटियों के सुरक्षा का मुद्दा हमारे लिए बहुत बड़ा है। और हमारी इस मुहिम पे पहली मुहर जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगा चुकी है। पिछले दिनों लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त कानून लेकर आई। अब इसी कानून के तहत एक लव जिहादी की पहली गिरफ्तारी भी बरेली में हुई। लव जिहाद पर जी हिंदुस्तान की मुहिम के साथ पूरा देश जुड़ता जा रहा है। लव जिहादियों के फरेब का होगा पक्का हिसाब। खुलेगी मोहब्बत के नाम पर फरेब की किताब। सलाखों के पीछे पहुंचा लव जिहाद का जालिम। लव जिहाद के खिलाफ जी हिंदुस्तान की मुहिम। जी हिंदुस्तान को जिसने ये लव जिहाद के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है। फरेब और धोखे से धर्म परिवर्तन की चाल अब और नहीं चलने वाली है। बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले जिहादियों की जगह अब जेल में है। सबसे पहले जी हिंदुस्तान ने मुद्दा उठाया था लव जिहादियों से हमारी बेटियों की सुरक्षा का। लव जिहाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना। सबसे पहले जी हिंदुस्तान ने कहा था लव जिहादियों से सख्ती से निपटना जरूरी है। सबसे पहले जी हिंदुस्तान ने की थी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की मांग। लव जिहाद के खिलाफ देश मांगे सख्त कानून। और अब इसी कानून के तहत हुई है बरेली में एक लव जिहादी की पहली गिरफ्तारी। बरेली पुलिस ने इस लव जिहादी को दबोचा है। पिछले 28 नवंबर से पुलिस इस शख्स के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, जगह जगह दबिश दी जा रही थी। लेकिन ये इतना शातिर था कि पुलिस के पहुंचने से पहले खिसक लेता, लेकिन लव जिहाद पर बने कानून के हाथ आखिर इस जालिम तक पहुँच ही गए। इस शख्स का नाम है मोहम्मद उवैस अहमद। ये शख्स एक लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। इतना ही नहीं, ये शख्स धर्म परिवर्तन और शादी न करने पर लड़की और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दे रहा था। अब इसे पुलिस ने लव जिहाद कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है। लव जिहाद के केस में ये पहली गिरफ्तारी है, लेकिन आखिरी नहीं। धर्म के नाम पर धमकाने, लालच देने या फरेब करने का अंजाम योगी राज में तय हो चुका है। यूपी में ऐसे नफरती जिहादियों की जगह सलाखों के पीछे है। 28 तारीख को विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक आया था, उसके तहत एक मुकदमा लिखा गया देवरनिया में। तो उसका जो आरोपी था ओवैस, उसे आज गिरफ्तार कर लिया। पर्टिकुलर धर्म द्वारा एक पर्टिकुलर धर्म की महिलाओं को टारगेट बनाकर उनको। जी हिंदुस्तान की मुहिम ऐसे बदनियत लव जिहादियों के खिलाफ ही है। महिलाओं का, चूँकि आज महिलाओं के हक की बात हो रही है। अंधी धार्मिक सोच और कट्टरपंथ की सोची समझी साजिश के तहत जो कोई भी हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। क्योंकि यूपी में तो कानूनी तौर पर ये तय हो चुका है कि लव जिहादी 1 से 10 साल तक जेल में जाएंगे, 15,000 रुपए तक जुर्माना भरेंगे। अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया तो भी 10 साल तक सजा तय है। अगर किसी संगठन का नाम आया तो उस पर भी जुर्माना होगा। मामला सिर्फ जबरन धर्म परिवर्तन का नहीं है, बात उस जहर की है जो लव जिहादियों के कट्टरपंथी जहन में भरा हुआ है। इस्लामिक कट्टरपंथ का ये जहर मारने पर उतारू है।
यूपी में ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें बेटियों को लव जिहाद का विरोध करने पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यही वजह है कि जी हिंदुस्तान ने कट्टर लव जिहादियों से बेटियों की सुरक्षा को अपना संकल्प बनाया। बरेली में लव जिहादी मोहम्मद उवैस की पहली गिरफ्तारी अभी तो शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, यूपी में लव जिहाद कानून बनने के बाद पुलिस ऐसे मामलों को लेकर के बेहद एक्टिव हो चुकी है। ऐसे किसी भी मामले को हल्के में न लेने की ताकीद योगी सरकार पहले ही दे चुकी है। लखनऊ में एक शादी को पुलिस ने रुकवा दिया क्योंकि मामला लड़के लड़की के दो अलग धर्मों का था। इसमें मुद्दा धर्मांतरण कराकर शादी करवाने से जुड़ा हुआ था, जबकि लव जिहाद पर बने कानून के तहत धर्मांतरण करने से पहले डीएम से इजाजत लेना जरूरी हो जाता है। प्रेम में शादी की पहली शर्त धर्म परिवर्तन। मोहब्बत में शादी की पहली शर्त खुद के वजूद को मिटाना। लव जिहाद बेटी के वजूद को निगल जाएगा। अगर प्रेम है तो धर्म का बंधन क्यों? अगर प्रेम है तो शादी से पहले धर्म परिवर्तन क्यों? अगर सच में मोहब्बत है, कोई शातिर फरेब नहीं, तो लड़की की पूरी पहचान खत्म करने की जालसाजी क्यों? यूपी में लव जिहाद का कानून लागू हो चुका है। जिहादियों को कोई गलत फहमी अभी भी है तो जहन से निकाल लें, क्योंकि कानून का डंडा जब चलेगा तो आवाज नहीं होगी। लखनऊ में एक ऐसी ही शादी हो रही थी। लड़का एक समुदाय का था, लड़की दूसरे समुदाय की, लेकिन लव जिहाद पर बने कानून की अनदेखी करने का हासिल ये हुआ कि बारात को उल्टे पांव लौटना पड़ा। बचा रह गया कुछ तो पुलिस की खड़ी गाड़ी, सुनसान रास्ता और चंद लोग। हुआ ये था कि दो अलग समुदाय के लड़के लड़की की शादी होनी थी। दोनों पक्षों की सहमति से अंतर धार्मिक विवाह हो रहा था। शादी से पहले लड़की का धर्म परिवर्तन किया जाना था, लेकिन धर्म परिवर्तन के बारे में डीएम को सूचना नहीं दी गई थी। ये सीधे सीधे लव जिहाद कानून का उल्लंघन था, लिहाजा जैसे ही पुलिस तक बात पहुंची, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई। एक समुदाय की लड़की दूसरे समुदाय के लड़के से शादी करना चाह रही थी। इस पर दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया था। उनको जो नवीनतम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण अध्यादेश है उसके बारे में उनको बताया गया। उसकी एक प्रति भी उनको उपलब्ध कराई गई, जिस पर दोनों पक्षों ने लिखित सहमति दिया कि अब वो इस संबंध में नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय को सूचित करके उनसे अनुमति लेके उसके उपरांत ही कोई कार्रवाई करेंगे। यूपी में एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बना चुकी है। इसके तहत दुल्हा दुल्हन को डीएम से धर्म परिवर्तन की अनुमति लेनी होगी। दूसरे समुदाय में शादी करने के 2 महीने पहले डीएम को जानकारी देना जरूरी है और धर्मांतरण की इजाजत मिलने के बाद ही धर्म परिवर्तन का प्रावधान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू हुआ है, लव जिहाद जिसे कहते हैं। जो भी कानून का नियम है उसका हम बिल्कुल पालन करेंगे। कानून हमारे लिए सबसे महत्व है और कानून की मैं इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। मसला लव जिहाद के खिलाफ खड़ा होने का है, धोखे और शातिर दिमाग कट्टरपंथियों से बेटियों की रक्षा का है। यूपी इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुका है। सवाल दूसरे राज्यों के लव जिहाद पर चुप्पी ओढ़ने को लेकर उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, क्या आपको पता है कि असली मुद्दा क्या है? दरअसल असली मुद्दा नियत का है। जो लव जिहाद करते हैं उनकी नियत और ऐसे लोगों के खिलाफ राज्य सरकार के कदम उठाने की नियत वोट बैंक की राजनीति कट्टरपंथी के खिलाफ इच्छा शक्ति कमजोर करती रही है। लेकिन जी हिंदुस्तान लव जिहाद पर आवाज उठाता रहेगा। सवाल यह है कि जब यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा की सरकारें लव जिहाद पर सख्त कानून के बारे में सोच सकती हैं, तो फिर दूसरे राज्यों की सरकारें क्यों ऐसा नहीं कर सकती? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, मैंने उस इंसान पे भरोसा किया। कभी इन्होंने सही नाम नहीं बताया। निकाह किया है, उसे क्या पता कि निकाह क्या होता है? महान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलने वाली है। धर्म परिवर्तन के लिए पीछे पड़ रहा था मुसलमान, बन जा मेरे से शादी कर। जो हिंदू नाम लेकर के हाथ में धागा बांध करके वो लोग मिलते थे। अगर बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो तोड़ के रख दूंगा। जबरदस्ती गाड़ी बिठा रहे थे खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी। धर्मांतरण के लिए दिया जा रहा है, वह फंडिंग लव जिहाद के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए टारगेट करके बोलते हैं सब इतना पैसा देंगे।
लव जिहाद की अनगिनत कहानियां हैं। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां इस मीठे जहर को उतारकर हमारी बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ न किया गया हो। शायद ही कोई ऐसा सूबा हो जहां झूठे प्रेम में फंसकर किसी बेटी को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर न किया गया हो। जरा देश के नक्शे में उन राज्यों पर नजर डालिए जहां लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं, जहां बड़े पैमाने पर प्रेम में धर्म का गोरख धंधा चलता रहा है। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक में सैकड़ों मामले लव जिहाद के सामने आ चुके हैं। लव जिहाद को इस्लामिक कट्टरपंथियों के भारत की डेमोग्राफी बदलने की साजिश के तौर पर भी देखा जाता है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद पर सख्त कानून तैयार हो रहा है, बस मुहर लगने की देर है। MP में लव जिहादियों की बर्बादी तय है। कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो तोड़ के रख दूंगा, ये नहीं चलेगा। धर्मांतरण का कुचक, लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। सवाल प्रेम को लेकर नहीं बल्कि नियत को लेकर है। ये बात किसी से छुपी नहीं कि हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी को धीरे धीरे बदलने का जरिया है लव जिहाद, जिसे बड़ी सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया जाता रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सरकारों ने कभी सख्त रुख नहीं अपनाया। पिछले एक दशक में जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, वो इसके पीछे की गहरी साजिश की तरफ इशारा करते सवाल उठाते हैं। क्या लव जिहाद के लिए होती है फंडिंग? क्या PFI, सिमी और ISI करते हैं फंडिंग? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कई लव जिहाद के मामलों के तार PFI जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से जाकर जुड़ते हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। वह फंडिंग धर्मांतरण के लिए दिया जा रहा है, वह फंडिंग लव जिहाद के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए टारगेट करके बोलते हैं साहब इतना पैसा देंगे, ये जो है ना हिंदू धर्म की कन्या के साथ इस प्रकार का आप लव जिहाद करिए। तो इसके भी दिल्ली के गृह मंत्रालय के द्वारा और हमारे सिस्टम में भी जो कानून बने उसके द्वारा भी डिटेल जांच करना चाहिए। लव जिहाद के जरिए इस्लामिक कट्टरपंथी बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। शादी के बाद जब धार्मिक कट्टरपंथ की बदरंग हकीकत से सामना होता है तब मोहब्बत काफूर हो जाती है। ऐसे ही लव जिहाद की पीड़ित है आसिया। केरल के हिंदू परिवार से आने वाली आसिया ने 3 साल पहले इब्राहिम से शादी की थी। आसिया का आरोप है कि अब उसके पति के भाई की उस पर बुरी नजर है। और जितने जीव नहीं रखा they should not have the guts, और ये तरह और guts इकोन मार बार दो ना नीम पुरते सवाई मंडे ओपन और मैंने मुंडे हो गया आई बिना पुत्रे इन्हीं मुस्लिम से दर। आसिया ने अब पुलिस से संपर्क साधा है, लेकिन जरा एक आंकड़े से लव जिहाद की गंभीरता को समझिए। 2009 में केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने दावा किया था कि करीब 4,500 लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाया गया। वहीं हिंदू जन जागृति समिति का आरोप था कि अकेले कर्नाटक में ही 30,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया है। ऐसे मामलों में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन PFI की गतिविधियों को संदिग्ध माना गया था। लव जिहाद पर सख्त कानून क्यों जरूरी है, ऐसे आंकड़े जवाब है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पहले ही बेटियों की बर्बादी की कई कहानियों को नजरअंदाज किया है, लेकिन जी हिंदुस्तान तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक राज्यों की सरकारें लव जिहाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।